अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि आदरणीय विधायक जी सलूट करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन ये जो बजट की घोषणाएं हैं इनका निश्चित रूप से क्रियान्वयन होगा। 5 साल में हरियाणा राजस्थान में 400 करोड़ रुपए का प्रावधान रखकर मुख्यमंत्री वृक्षारोपण कार्यक्रम अभी चल रहा है, तो उसके तहत तारानगर पहुंचे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर कुमार शर्मा और थे देख रहा हूं मीडिया 4x4। दोस्तों, तारानगर की राजनीति हमेशा ही उथल पुथल रही है। वर्तमान में भी राजेंद्र राठौड़ हारे हुए प्रत्याशी यहाँ मानो महीने के अंदर 2-3 बार तारानगर आ जावे, आने के बाद में विपक्ष में खलबली मच जावे, क्योंकि पक्ष गाजी का नेता है वह इतना नहीं घूम रहे जितना विपक्ष गाजी का नेता हारेड़ा है वह घूम रहे हैं। दोस्तों, अभी वर्तमान में राजेंद्र राठौड़ साहब तारानगर में कुछ कार्यक्रम में शामिल होने खतर आने लग रहे हैं। कुछ एक सवाल है अपना जिका राजेंद्र राठौड़ साहब वहाँ पर पूछने की कोशिश कराँगा। और दोस्तों, 8 जिका नेता है तारानगर का, वह आप सवाल जवाब कराँ, क्योंकि वर्तमान विधायक नरेंद्र जी बुडानिया विधानसभा के अंदर एक बात कही, 8 जिका मौजूद भाजपा का जिका नेता है। नया हो तो आपने चैनल ने जरूर सब्सक्राइब कराया और कमेंट के अंदर थारी राय जरूर दिया, ताकि मने भी आगे के लिए एक दिशा मिले के तरीके की रिपोर्टिंग में आगे के लिए करा। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अब भी जी राजेंद्र राठौड़ साहब तारानगर में कुछ कार्यक्रम में शामिल होने खातर आ रहे हैं। बहुँ पहले जी का तारानगर विधानसभा का भाजपा का जी का नेता है, बहुँ आप संपर्क कर सें और जी का क्वेश्चन मैं थानू बता रही हूँ वही चीज़ अठे पूछने की कोशिश कराँगा। मौजूद है अपने सागे शिवम हॉस्पिटल चूरू का डॉक्टर और भाजपा का कद्दावर नेता महेश जी शर्मा साहब। महेश जी, स्वागत है मीडिया 4x4। धन्यवाद। मैं जी एक क्वेश्चन बड़ो सारो करूँ मैं थारू पहली पोती। हाँ बताओ। कि अभी विधानसभा के अंदर नरेंद्र जी बुडानिया एक सवाल रखियो कि भजनलाल सरकार जी को बजट में घोषणा करिए चूरू और तारानगर के लिए, यदि वह पूरी कर दे तो मैं सगड़ा के सामने सलूट करूँगा, तो थाना लागे भजनलाल सरकार नरेंद्र जी बुडानिया को सलूट ले लेगी? देखो, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बजट के अंदर जो घोषणाएँ हुई हैं उनका क्रियान्वयन जो होना है उसके लिए और बजट में बहस होने से पहले ही और सरकार ने और जो जो नुमाइंदे हैं जिले वाइज उनको भेज रखा है और पूरी रिपोर्ट जो है वो पूरी रिपोर्ट उन्होंने लेके और उसमें उनका क्रियान्वयन करने के लिए और पूरा प्रारूप बना लिया है और निश्चित रूप से क्रियान्वयन होगा। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि आदरणीय विधायक जी सलूट करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन ये जो बजट की घोषणाएँ हैं इनका निश्चित रूप से क्रियान्वयन होगा। राजेंद्र राठौड़ साहब का आप कितना बड़ा हाथ मानते हैं जो बजट की घोषणा हुई है, बजट में जो चूरू को सबसे अग्रणी रखा गया? देखिए, राठौड़ साहब, मैं विधानसभा की तो क्या बात करूं, पूरे प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं और उन्होंने, मैं समझता हूं कि तारानगर के लिए और अथक प्रयास भी किया है और उनकी वजह से ही ये सारी बजट की घोषणाएँ हुई हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसे जैसे तारानगर विधानसभा के जो भाजपा के नेता हमें मिलेंगे उनसे हम संपर्क करेंगे और जो हमारे क्वेश्चंस हैं जो लोग जानना चाहते हैं उनको हम पूछने की कोशिश करेंगे। राजेंद्र राठौड़ साहब पहुंच चुके हैं, उनसे भी वही सवाल हम करेंगे। राठौड़ साहब पहुंच चुके हैं और एक कॉलोनी के अंदर राठौड़ साहब, देखिए इसमें जो स्पष्ट लिखा हुआ नगर पालिका तारानगर चूरू, हरा भरा हो तारानगर हमारा, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण कार्यक्रम, इसके तहत राजेंद्र राठौड़ साहब यहाँ पर आए हैं। तो देखिए राजेंद्र राठौड़, तो देखिए राजेंद्र राठौड़ साहब ने वृक्षारोपण के तहत एक पौधा लगाया है और मुख्यमंत्री वृक्षारोपण कार्यक्रम अभी चल रहा है, तो उसके तहत तारानगर पहुँचे हैं एक कॉलोनी के अंदर। तो देखिए साथ में राकेश जांगीड़, महावीर जी पूनिया और गुरी साहब, अन्य जो पदाधिकारी हैं जो नेता हैं वो पहुंचे हैं। पिलखण का पौधा लगाया है। तो दोस्तों, पौधा है वो लगा दिया राजेंद्र राठौड़ साहब ने और मुख्यमंत्री वृक्षारोपण कार्यक्रम ये चल रहा है पूरे राजस्थान के अंदर।
तो इसी के तहत माननीय राजेंद्र राठौड़ साहब पहुंचे हैं तारानगर। बधाई देना चाहूंगा नगर पालिका तारानगर को। इस राजस्व कॉलोनी में एक पेड़ माँ के नाम, इसके साथ ही हरियाणा राजस्थान, इस कार्यक्रम की इन्होंने शुभारंभ किया है। इस बार भजनलाल जी की सरकार ने 5 साल में हरियाणा राजस्थान में 400 करोड़ रुपए का प्रावधान रखकर और हर वर्ष 10 करोड़ पेड़ लगाने का जो लक्ष्य रखा है, उसके पीछे मकसद एक ही है। हमारा पर्यावरण लगातार बिगड़ता जा रहा है, इस धरती पर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन बढ़ता जा रहा है और बिगड़ते पर्यावरण ने कई प्रकार की बीमारियां हमारे सामने चुनौती के रूप में खड़ी कर दी है। ये प्रकृति है, ये प्रकृति, ये धरती हमारी माँ है और माँ का श्रृंगार पेड़ है। माँ का श्रृंगार के रूप में आज एक पेड़ माँ के नाम का लक्ष्य के साथ आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। मैं इंदू साहब आपको, नगर पालिका को धन्यवाद देना चाहूँगा और आज इस पूरे कार्यक्रम में हम सब लोग जो साक्षी रहे हैं उनसे यही विनती करूंगा, हम सब लोग इस धरती पर हैं तो माँ के कारण से है। माँ जैसे कुछ ने कुछ नहीं, हर व्यक्ति एक एक पेड़ अपनी माँ के नाम से लगाकर इस हरियाणा राजस्थान के संकल्प को आगे बढ़ाए। हम सब मिलकर इस धरती का श्रृंगार करेंगे, इस पर्यावरण के जो हमारे सामने विविष्कार है उसके लिए लड़ेंगे। आप सबके ऐसे सक्रिय योगदान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।